सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर बैक विद द बैड बॉस। लेकिन आज हम लोग बैड बॉस नहीं खेलने वाले नेदर गेम सर्वर पे, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे मेरे को, मैं गया था खेलने के लिए लेकिन मेरे को नॉक बैक करके वोट में गिरा दिया गया। हाँ, वो ऑटो क्लिकर्स का ही काम है। तो आज मैं फिलहाल बैड बॉस खेलने वाला हूँ लाइव बॉस सर्वर पे। और गाइस, काफ़ी दिनों से हाथ में खुजली मच गई थी कि इन चाइनीज बंदों को बताया कि भाई चाइना का सर्वर, तो क्या तुम चाइना वाले ही खेलोगे क्या? हम इंडियंस भी तुम्हारे सर्वर पे आके भाई साहब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हरे वाला बंदा यार मेरे को वॉइड करके माना। या भाई पिंक वाले बंदे क्या कर रहे हैं भाई? पिंक से मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना रिश्ता है, इसकी भी ऐसी डांग। चलो, बंदा गया नीचे और इसने मेरे को कह दिया भाई साहब बंदे ने 8 गोल्ड दिए। इस वाले मतलब सर्वर पे गोल्ड, यानी कि समझ लो कि असली का गोल्ड, मतलब इस वाली गोल्ड से तुमने अगर एक बार एंचेंटमेंट लगा डाला ना तो लाइफ झिंगा लाला। सच में बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे पिंक के बेस के ऊपर। मेरे को पिंक और पर्पल में वैसे भी फ़र्क पता नहीं चलता, तो अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मेरे को पता है कि बंदे इधर पीछा करते हैं। ये देखो, ये बंदा आ गया। और यहाँ पे एक तरीका है बैट डिस्ट्रॉय करने का, इनको झांसा दे के इधर से आप दूसरी साइड से जाके बैट डिस्ट्रॉय कर दो। और इनका बैट टूटने का स्टाइल भी, मैं नीचे गिर गया, इनका बैट टूटने का स्टाइल भी इतना बेकार है। तुम लोग देखो, बैट मतलब नीचे और यहाँ पे ऊपर मारना पड़ता है, तब जाके इनका बैट डिस्ट्रॉय होता है। और बैट पे मैं मतलब स्पैम क्लिकिंग करनी पड़ती है इनकी वैस की। अभी इनको बताता हूँ मैं कहाँ गया बंदा। ये रहा, इसको पे लेगा भाई, इसको मैं जान लूँगा कहाँ गया। अबे रुक जा भाई, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? ये साइड पे खड़े हो जा। चलो, एक बंदा तो गया और एक और पिंक वाला बंदा वो रहा सामने। भाई साहब मेरे को बस सब चीज़ें आती है भाई, मेरे को बस एक बार वॉइड में ना गिरा दे बस। ये बंदा जिसकी दिक्कत थी वही हो गया, वॉइड में गिर गया। तो ओके गाइस, अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये लाइव बॉट का सर्वर जो है वो सस्ता सर्वर मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें इतने प्रो प्लेयर्स मेरे को दिख नहीं रहे। शायद से सारे मोबाइल प्लेयर्स ही है, लेकिन मैंने देखा था कि इसमें पीसी प्लेयर्स और कंट्रोलर प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे आग लगा रखी है बंदों ने। भाई अगर तुम लोग पॉकेट प्लेयर हो ना, अगर तुम लोग मोबाइल पे खेलते हो तो आग तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। मेरे वो मतलब क्या सीन है ना कि अगर मुझे आग लगती है ना तो गाइस मेरे फ़ोन को भी आग लग जाती है, पता नहीं क्यों गर्म होने लगता है। मुझे फटाफट से यहाँ से ऊपर भगना चाहिए और इनका बैट डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑरेंज वाला बंदा मेरे पीछे आ रहा है। और भाई साहब, ये क्या कर रखा है इन्होंने, इतने बड़े बड़े ब्रिज बना रखे भाई। ये सर्वर मेरे को ठीक नहीं लग रहा भाई, मतलब अपना नेदर गेम्स होता तो यार अभी तक इनको फायरबॉल के हवाले फेंक दिया होता हमने। और क्या मैं इनका बैट अंदर जाकर तोड़ सकता हूँ? लेकिन यार ये पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं भाई, पिकनिक मना रहे हैं। और इनको मारता हूँ तो फिर भी यार 3 सेकंड में स्पॉन हो जाते हैं बंदे, मतलब इतनी जल्दी तो यार बैट एक ब्लॉक नहीं टूटता। ये बंदे 3 सेकंड में स्पॉन हो गए, मेरे को लपेटना स्टार्ट कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर से बैट डिस्ट्रॉय करता हूँ। चलो, कोई आ भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है, तो इधर से चलो लगता है इस ब्लॉक को हटाना पड़ेगा। भाई एक पता नहीं क्यों वूल लगाते भाई, क्ले लगाया करो। ओके, तो गया भाई बैट इनका। अब एक एक बंदे को मैं पर्सनली पेलने वाला हूँ भाई। कहाँ गया बंदा? ये रहा, इसको पेल दे पहले। चलो, ये बंदा तो यार खुद ही नीचे गिर गया, पता नहीं क्या शौक थे इसके। और इसको पेलते हैं भाई। ये क्या बंदा यार, फ्लिंट एंड स्टील लेके आ रहे भाई बंदे। भागना पड़ेगा मुझे इधर से। गलती से अगर इन्होंने मेरे को लगा देना फ्लिंट एंड स्टील, भाई इतना लैग होगा ना कि तुम लोग देख नहीं पाओगे भाई, इतना लैग होगा। और ये बंदे मेरे को पकड़ ही नहीं पा रहे भाई। आग लगा दी। मरा। ऊपर चलो। बड़ी मुश्किल से गाइस मैं बच गया हूँ अभी। फिलहाल तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ये अपने पुराने वाले टैक्टिक्स है कि इनको ऊपर मत आने दो। अरे भाई साहब, बंदा वॉइड में क्यों नहीं गिरा यार, गलत किस्मत। और अभी इसको पहले वाले, लेट्स गो गाइस। बंदा क्या, अबे 8 ब्रिक्स क्या कर रहे थे तेरे पास? गोल रखा करो यार अपने पास। एक और बंदा कहाँ पे गाइस? कोई बंदा मेरे को दिखा नहीं, तो मैं वहाँ से निकल गया। और अभी 2 टीमों को ख़त्म कर चुके हम लोग, और अभी ग्रीन वाली टीम की बारी है। और ग्रीन वाला बंदा वहाँ पे मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बैट ऐसे तोड़ूँ भैंस की टांग। अब आओ अंदर तुम लोग, अब तो मैं इनका बैट इजीली तोड़ दूंगा। मेरे पास स्टोन वाली पिकैक्स है, तुम्हारे सामने बैट तोड़ दे भाई। किधर गए तुम लोग? अच्छा, तो उधर से आ रहे, तो ये लो हमारे, मेरा दूसरा मुँह, मैं इधर से आके तुम्हें उधर से पेलूँगा। तो बंदा ये रहा, देखो भाई किधर गया था मेरे को पेलने के लिए, तू उस साइड गया था, लेकिन तेरा भाई तो इधर खड़ा है। रुक जा भाई, सस्ते नशे कम करो। ओके। तो भाई शॉट एम ही नहीं लग रहा यार, बंदा भाग रहा है। चलो इसके पीछे पीछे भागते हैं। अब मेरे को थम्पी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, भागते हुए थम्पी भी। नहीं यार, अब ये मेरे को वाइड करने वाले, मेरे को पता है ये दोनों मिलके मेरे को वाइड करेंगे। तो एक बंदे को तो मैं लेके गिरूंगा। चलो एक तो गया, लेकिन पीछे वाले ने मेरे को वाइड कर दिया जो कि मेरे को पता था। ओके, तो अभी ग्रीन वाले का एक बंदा, ये बंदा था, इसकी भैंस गिरा मेरे को मारेगा तू। इसको नीचे गिरा दिया, लेट्स गो। और के गाइस, तो एक बंदा हमारा बैट डिस्ट्रॉय कर रहा है वहाँ पे बैठे बैठे। इसको पेलना पड़ेगा फटाफट से, इसको लगता है कि ये आराम से बच के भग जाएगा इधर से। लेकिन इसको पता नहीं भाई, ये एक्सपी फार्म की तरफ फंस चुका है भाई, कुछ भी नहीं कर पा रहा यार बेचारा। दया आ रही है इसके ऊपर। GGS गाइस। तो एक और मैप खेलने वाले अभी हम लोग, और ये वाला मैप भी अपना चाइना मैप, आई मीन टू से चाइना मैप। डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी कंट्री,
ओके तो गाइस लाइव बोट सर्वर पे अगर तुम लोग आते हो खेलते हो, अगर हम लोग इंडिया वाले चाइनीज सर्वर आई मीन टू से लाइव बोट पे खेलते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया का भी कुछ आए यार, इंडिया का मैप वूप डाले स्क्वाड वोड में जैसे अपने नेदर गेम्स ने डाला था, और अब तो नेदर गेम्स ने कहा यार इंडिया का सर्वर भी आ गया, तो लाइव बोट का सर्वर भी अच्छा आ चुका है। अब की बार मैंने देखा मेरे 70-80 पिंग पे मैं खेल रहा हूँ अभी फिलहाल, वरना मैं 300 पिंग पे खेलता था, और भाई साहब मेरे पास पिकैक्स विकैक्स है नहीं, लेकिन मैंने इनको शॉक कर दिया उधर से आके। भाई ये बंदे इतने पुराने, इनको पता नहीं क्या ये ट्रिक्स, मेरे को अभी नए नए बंदे को पता चल चुका है कि इधर से भी आ सकते हैं, और भाई साहब नहीं 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 इसको मार के जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए मेरे पास हाफ हट है, नहीं मैं मर नहीं सकता भाई। एपिक किलर स्टिल अलाइव मेरे को इतना पकड़ना इतना आसान नहीं है भाई, वो तो अच्छी बात है कि मैं अपना मैन हट नहीं करता, वरना ज़्यादा हो गया। ओके गाइस तो दोबारा रिस्पॉन हो चुके हम लोग आ चुके हैं, और अभी ये ग्रीन वाला बंदा वही बंदा है जिसको मैंने पहला था, इसको मैं दोबारा से पहले वाला हूँ, लेकिन ये बंदा भाग रहा है भाई, मेरे को पता नहीं भाई कब से मैं इतना दरिंदा बन गया कि बंदे मेरे को डर के भाग रहे यार, मतलब मेरे को देख के तो बंदे यार समझते थे कि किल एक्स्ट्रा पड़ा है तो जाके लेते हैं, और अभी मैं इनका ही बैट तोड़ने जाऊंगा भाई, एक बार जब मैंने कमेंटमेंट ले ली तो मैं किसी की नहीं सुनता, मैं इनका ही बैट तोड़ूंगा, तो फटाफट से चलता हूँ, लेकिन क्या मैं इसका बैट अंदर से तोड़ सकता हूँ, नहीं यार अंदर तो बहुत सारे बंदे हैं, मुझे इधर ऊपर से जाना पड़ेगा फटाफट से, लेट्स गो, लेकिन यार मेरा मन है कि यार मैं इनको अंदर से ब्लॉक तोड़ूँ यार, ताकि मज़ा आता है उसमें तोड़ने में, लेट्स सी कि क्या करते हैं सब बंदे, तो सब बंदे बाहर चलो फटाफट से अंदर चलता हूँ, लेट्स गो। अबे ये कौन खुला छोड़ के रख गया यार, किसने कर दिया ये, अबे ये तो मैंने किया था मेरे को याद आ रहा है, अबे यार ये लकड़ की पिकैक्स भाई साहब कब तक तोड़ेगी, तब तक तो ये बंदे इधर से आके मेरा जीना हराम कर देंगे। फटाफट से मैं क्या करता हूँ कि भाड़ में जाइए सब चीज़ें, और तुम लोग यार एक लाइक भी कर दो वीडियो पर, तुम्हारा भाई 1v4 कर रहा भाई अजाने स्ट्रेंज सर्वर पे आके, भाई भागना पड़ेगा फटाफट से। तो चलो इनका बैट डिफेंस की तो धज्जा उड़ाने वाला हूँ मैं, देखो इनके कैसे डिफेंस को करता हूँ मैं, लेट्स गो, किसी को पता भी नहीं कि मैं किधर से बैट डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ भाई, इनको पूरी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए अपने पास। नहीं 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 नीचे तक तो मेरे को ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा एक आधा, लेट्स गो फटाफट तोड़ते हैं बैट को, और ये क्या ग्रीन वाला बैट, चलो अब ग्रीन वाले बंदे को पहला स्टार्ट करते हैं। मैं भाई कहाँ गया भाई, खुले में भाई। गाइस वैसे मुझे पता है कि मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा एडिट भी नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन क्या करूँ गाइस, मेरे एग्ज़ाम है, मेरे 17 जुलाई को मेरा पेपर है, तो मेरे को उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना यार, सब चीज़ें की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो तभी यार थोड़ी लेट हो जाती है, तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लिया करो, बाकी तो तुम लोग इतने दिनों से मैनेज करते आ ही रहे हो, मेरे इतने ज़्यादा लैग वीडियो लैग गेम प्ले को भी तुम लोग इतना इन्जॉय करते हो गाइस, दिल से शुक्रिया तुम्हारा। तो फटाफट से अभी मैं तोड़ता हूँ मैं पिंक का बैट, लेकिन यार इन्होंने यार कुछ अजीब सी चीज़ लगाई है, ये देखो यार अलर्ट पर्पल ट्रैप, इससे क्या हो रहा है कि यार इनका बैट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इन्होंने कुछ लगा रखा है ऐसा कि थोड़े देर के लिए इनका बैट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन दैट्स इट, मैंने तो उसका बैट तोड़ दिया, और ये रहा एक बंदा, ये पता नहीं क्या कर रहा था इधर, मैंने इसको नहाने नहीं दिया बेचारे को शांति से, और भाई साहब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार मैं इतना दरिंदा मानस कब से बन गया, ये बंदा अपने आप को अंदर ब्लॉक करके बैठा है कि मैं इसके ब्रेस पे ना चला जाऊँ, लेकिन इसको भी मैं थप्पा करने वाला हूँ पीछे जाके, तो अंकल जी पानी पिला दीजिए, अंकल जी पानी पिला दीजिए, बंदा गया। तो गाइस इसी के साथ एक और गेम अपन लोग लाइव बोट सर्वर पे जीत चुके थे, और अगर तुम्हें लाइव बोट सर्वर पे गेम खेलना है तो ये तो अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में पहले से जाते हो, तो तुम लोग जाके वहाँ से ज्वाइन सर्वर कर सकते हो, इसकी कोई आईपी लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Falling in love with me, possibilities, I look like all you.